और आपके अपने चैनल अनडिफीटेड फैंटेसी क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जो ये अभी मैच रहने वाला है ना CM-WVSCH-W और यहाँ से क्या बोलते हैं CH-W के बीच में जो ये मैच खेला जाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़े से हम लोग पहले यहाँ से कर लेते हैं यार, वेट अ मिनट। तो हाँ गाइज, ये CM-WVSCH-W और CH-W के बीच में खेला जाना है, सेंट्रल हिंस और कैंटरबरी करके ये मैच है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओमेन के बारे में। और यहाँ से क्या मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो पहले बता देता हूँ। टीम न्यूज़ दूंगा, प्लेइंग 11 दूंगा, 11 प्लेयर का स्क्वाड विद बैटिंग ऑर्डर के साथ, प्लस टीम कंपेरिजन देने वाला हूँ। दोनों टीमों में स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, वीक टीम कौन सी है वो डिस्कस करेंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर एंड बैट्समैन डिस्कस करेंगे। बेस्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन डिस्कस करेंगे। ड्रीम 11 की टीम लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हम अभी आपको ड्रीम 11 का टीम देंगे ना गाइज, वो हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देने वाला हूँ। अपकमिंग वीडियो हमारी कौन कौन सी आ रही है, कौन कौन सी लीग अभी हम फॉलो कर रहे हैं। प्लंकेट सील 4 दिन का टेस्ट होता है, डोमेस्टिक लीग है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, ये पाकिस्तान में चल रहा है, ये भी 4 दिन का ही टेस्ट होता है। कायदे आजम, हैलीबटन जोनास्टन सीड, उसके अलावा सुपर स्मैश, मैन सुपर स्मैश, हैलीबटन जोनास्टन सीड जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है फॉर ट्रॉफी, और भी बहुत सारी लीग है। मैं लिख कर आपकी वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको कैसे जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो मैं बता देता हूँ। ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक पिनअप कर रखा है, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम टॉप पे फर्स्ट कमेंट पे मैंने लिख रखा है, सॉरी पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। इस मैच के बारे में मैं बात करूँगा, ये ड्रीम 11 ओमेन सुपर स्मैश करके ये मैच रहने वाला है गाइज। किस ग्राउंड पे खेला जाना है, तो हैगली ओवल क्रिस्ट चर्च पे ये मैच खेला जाना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस ग्राउंड पे है, इंपॉर्टेंट ये है कि पिच रिपोर्ट यहाँ क्या रहने वाला है। ये कल मैच आपको होता हुआ नजर आएगा 7:40 में, ठीक है, सुबह में। आपको 7 बजे का अलार्म सेट कर लेना है, मैं 7 बजे आपको टीम प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे तो स्कैटर्ड क्लाउड्स रहने वाला है, कोई भी बारिश की संभावना इस मैच में आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। हो सकता है हल्का हल्का बारिश आए, तो उससे आपको कोई अंडरस्टिमेट नहीं करना है। एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 125 एवरेज इनिंग स्कोर देखने को मिल सकता है गाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं बात करूँगा इंजरी अवेलेबिलिटी न्यूज़ के बारे में, तो अभी तक मुझे कुछ अपडेट मिला नहीं है गाइज, जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलेगा मैं टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। टीम स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा यहाँ से, तो CM-WVSCH 45% चांस है, सॉरी यहाँ से मैं भी बता, टीम स्ट्रेंथ के बारे में अगर यहाँ से मैं बात करूँगा गाइज, तो यहाँ से देखो किसके ज़्यादा चांसेज हैं विन करने के, तो CM-WVSCH की जो टीम है उनके 60% चांसेस विन करने के और 40% चांसेस सेंट्रल हिंस ओमेन के विन करने के कंपेयर टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करेंगे टीम कंपेरिजन के बारे में, क्यों है ऐसा 60% चांसेस विन करने के CM-WVSCH के, बिकॉज लास्ट के जो 5 मैचेज खेल के आ रही है ना ये टीम, उसमें से 4 मैचेज विन करके आ रही है और 1 मैच इन्होंने सिर्फ लॉस कर रखा है, ठीक है। सेंट्रल हिंस ओमेन के बारे में बात करेंगे तो 4 मैचेज लॉस किया और 1 मैचेज इन्होंने विन कर रखा है, तो उस बेसिस पे मैं बोलूँगा कि कैंटरबरी जो ओमेन की टीम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये टीम आपको विन करती हुई दिखने वाली है। अगर बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो यहाँ पर इसमें दोनों का जो पलरा है वो भारी है, बिकॉज दोनों के बीच में आपस में अभी तक 4 मैचेज खेले गए हैं हेड टू हेड मैचेज, तो उसमें क्या हुआ है ना 2 मैच CM-WVSCH की टीम विन की है और 2 मैच CH-WVSCH की टीम ने विन कर रखा है। अब हम यहाँ से अगर बात करें कि इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों के प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस क्या बात करेंगे इनके प्लेयर के स्टैट्स वगैरह डीपली ढंग से जानने का प्रयास करेंगे, जो इनका 6-7 मैचेज का स्टैट्स रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ले चलते हैं वहाँ पर आपको। गाइज, इनका स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया गया है, पहले सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको इस मैच में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैं वो आपको बताता चलूँगा इस वीडियो में। मैं कभी बता सकता हूँ कौन से मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और इस मैच में कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से प्लेयर नहीं खेलने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। दोनों टीमों का स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इस टीम से कैप्टन आपको फ्रांसिस मैकेयर रहने वाले हैं, विकेट कीपर से लॉरा ह्यूज आपको देखने को मिलेंगे, और ये प्लेयर ही सिर्फ आपको खेलते हुए नजर आएंगे, इनके अलावा कोई भी प्लेयर आपको खेलता हुआ नजर नहीं आने वाला है। अब इनके प्लेयर के बारे में एक एक चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, बिल्कुल पसंद आ रही होगी गाइस, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो यार, एक लाइक सबका कुछ नहीं जाता है बट मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, तो लाइक करके चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करके जुड़ जाना हमारे चैनल से, क्योंकि रोजाना आपको 24 घंटे के अंदर अंदर 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इमा केंच के बारे में बात करेंगे यहाँ से, कुछ खास इनका रिकॉर्ड है नहीं, स्मॉली के लिए मैं बोलूँगा नहीं, ग्रैंड लीग में आप रोटेट करना आप इनको, नतालिया कॉस को भी बोलूँगा मैं आपको ग्रैंड लीग के पीक हैं, कुछ खास इनका स्टैट्स मुझे लगा नहीं है गाइज, एम इज अदर वेट सॉरी, यहाँ से आपको बिल्कुल ट्राई करके चलना है, बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है, इस टीम के कैप्टन भी हैं और हो सकता है आपके स्मॉल लीग के लिए भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस बहुत अच्छी रहने वाली हैं, बिल्कुल आप इनको रोटेट करके चलना। क्यों, 87 रन 2 विकेट, 73 रन 4 विकेट, 13 रन 2 विकेट और यहाँ से 0 रन 3 विकेट, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देगी। एविगन जर्गन खेलेंगे भी तो आप ग्रैंडिंग में ही रोटेट करना, कुछ खास मुझे स्टैट्स इनका लगा नहीं है। जसिंता सिवज आपको दोनों मैच में एक एक विकेट लेती हुई नजर आएंगी और वनडे का इनका स्टैट्स है, तो उस बेसिस पर बोलूंगा कि आप ट्राई कर सकते हो, क्रिस्टीनेसन आपको इस मैच को खेलते हुए नजर नहीं आने वाली है। लॉरा ह्यूज खेलेंगे भी तो विकेट कीपर से आपको ठीक ठाक चॉइसेस नहीं रहने वाली हैं, जो उनके टीम के CH-WVSCH के विकेट कीपर है ना थोड़े से इनके कंपेयर में थोड़े से स्ट्रांग है, तो उस बेसिस पे आप उनको ट्राई करना।
मेलिसा बैंक्स के बारे में बात करेंगे तो देखो इनको हर मैच में एक विकेट मिलेगा, आप 30-40 पॉइंट आपको ये निकाल कर देगी बंदी। बिल्कुल आपको रोटेट करके चलना है अपने स्मॉल लीग एज वेल एज ग्रैंड लीग की टीम में, दोनों में। जेसिका सिमंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर तो मैं नहीं बोलूंगा, ग्रैंड लीग में ही रोटेट करना है, स्मॉल लीग के लिए तो बिल्कुल चॉइस नहीं है, ग्रैंड लीग पिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सारा सुमन के बारे में बात करेंगे, आपको एक विकेट ये बंदी ये भी आपको 30-40 पॉइंट दे सकती है, बिल्कुल आप इनको रोटेट करके चलना अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो तो, ठीक है। और मैं हाईली रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, बट आप स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। फ्रांसिया मैके के बारे में बात करेंगे, स्मॉली के लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है, बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके लिए चॉइसेस भी रहने वाली हैं। 94 रन 0 विकेट, 42 रन 5 विकेट, 46 रन 2 विकेट, 24 रन 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, आपके लिए ठीक ठाक चॉइसेस रहने वाली हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना इसे गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आओ, यहाँ से कैटी विलियम खेलेंगे नहीं, गैबी सुलिवन खेलने वाली है नहीं इस मैच को। उसके बाद यहाँ से बात करूँगा, कैटी सिम्स खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग में लिया हो तो खेलेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा स्टैट्स मुझे अच्छा लगा है, 2 विकेट इन्होंने निकाल रखा है इस मैच में, फिर यहाँ से 0 विकेट इन्होंने निकाल रखा है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो मिस इनको आप करके चल सकते हो गाइज। तो गाइज मैंने CM-WVSCH-W के जितने भी प्लेयर के स्टैट्स हैं मैंने डिस्कस कर दिया, सेंट्रल हिट्स का भी स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया गया और ये प्लेयर ही आपको सिर्फ खेलते हुए नजर आएंगे। इस टीम से कैप्टन जेस वैक्टिन, विकेट कीपर सीजन से नतालिया डॉट आपको देखने को मिलेंगी। इनके प्लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। यहां से देखो, जेस वैटकिन कैप्टन रहने वाली है इस टीम की और आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के रोटेशन के लिए। 27 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 17 रन 4 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 32 रन 2 विकेट, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, बिल्कुल ट्राई करके चलना है आपको। जॉर्जिया अटकिंसन के बारे में बात करूंगा यहाँ से मैं, तो आपके लिए ठीक ठाक चॉइसेस रहने वाली हैं। लास्ट मैच में 37 रन का पारी खेल के आई है बंदी और आपको 5 ओवर 7 ओवर 3 ओवर 3 ओवर का बॉलिंग करती हुई नजर आएगी, तो बिल्कुल रोटेट करके चलना, सॉरी यहाँ से आ जाओ। एंग्लो एंड डेवेंटर के बारे में तो कुछ खास इनका स्टैट्स मुझे लगा नहीं है, तो आप इनको ग्रैंडिंग में रोटेट करना। कैरी एंड टॉमलिनसन कुछ खास मुझे इनका भी स्टैट्स लगा नहीं है, तो इनको भी मैं बोलूंगा कि आप ग्रैंड लीग पिक आपके लिए हैं, कुछ खास स्टैट्स इनका है नहीं। हनर ओवे आप इनको ट्राई करके चल सकते हो, बट बंदे का विकेट नहीं मिल रहा है यार 3-4 मैचेस से, और यहाँ देखो सिर्फ 1 विकेट यहाँ पर मिला है, यहाँ 0 विकेट, यहाँ 0 विकेट और यहाँ 1 विकेट। सिर्फ आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देती थी पहले, बैटिंग बॉलिंग दोनों से देती थी, पहले बैटिंग खत्म हो गया अब बॉलिंग से भी इनका पॉइंट खत्म हो रहा है, तो उस बेसिस पे मैं ट्राई नहीं करूँगा। मिकेल एग्री खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग पिक आपके लिए रहने वाली है, कुछ खास इनका स्टैट्स है नहीं। सब प्लेयर के बारे में अभी ड्रीमलेवन जब टीम क्रिएट करूँगा तो वहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। मेलिसा हिंसन खेलेंगी और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, बिल्कुल मिस मत करना आप इसे, आपको 1 विकेट 2 विकेट लेते हुए नजर आएंगे। ग्रैंडिंग में आप इनको कैप्टन ट्राई करना, हो सकती है 3-4 विकेट ले जाएं और आपको ग्रैंड लीग विन करा देगा। इस क्लाउडिया ग्रीन के बारे में बात करेंगे, खेलेंगे भी तो सिर्फ 1 मैच में इनका विकेट है, फिर यहाँ है यहाँ है, बाकी और कुछ खास मुझे स्टैट्स लगा नहीं है, आप ग्रैंड लीग में ही रोटेट करके चलना। केटी पेडरसन जीमा सिम से खेलते हुए नजर नहीं आने वाली है। मोनिक रिस के बारे में बात करेंगे, खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग में ही रोटेट करना। अस्तुति कुमार पिछले बार नहीं खेली थी बट ये बार इस मैच को खेलने वाली है और खेलेंगे तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं इस मॉली के लिए, ग्रैंड लीग भी आपके लिए रहने वाली है। रोजमेरी मेर इनके साथ आप जा सकते हो, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आपको दे सकती है बंदी, तो ट्राई करना होगा तो बिल्कुल कर सकते हो। इमली कनिंगम भी खेलती हुई आपको नजर आएंगी, ग्रैंड लीग में रोटेट करना। नतालिया डॉट विकेट कीपिंग से आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है और इनको ट्राई करके चलना है। मोनिक रिस खेलेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग, और फिर यहाँ से ओसिन बाटलेट खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग पिक रहने वाली है। तो गैस मैंने जितने भी प्लेयर थे ना इनकी तरफ के सारे के बारे में मैंने डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको ले चलूँगा डिफरेंट टीम के ऊपर और वहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग कौन से प्लेयर को लेना है और किसे ड्रॉप करना है। गाइज अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करते हैं। यहाँ से देखो नतालिया डॉट जिस दोनों का कुछ खास मुझे स्टैट्स लगा नहीं है, बट CM-WVSCH-W की टीम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप लॉडा ह्यूग के साथ जा सकते हो, बट नतालिया डॉट आपको बैटिंग से पॉइंट देकर ही रहेंगी और कुछ देंगे ही, तो उस वजह से मैं इनको लेकर के चलूंगा अपने स्मॉल लीग की टीम में। और ये दोनों कैट गैगिंग आपको खेलने वाली है नहीं, ये खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में रोटेट करके चलना आप। यहाँ से देखो जसिंता सेवेज मैं सबसे फर्स्ट पिक इन्हीं को रखूँगा, इनके अलावा बैटिंग सेक्शन में मुझे कोई खास प्लेयर नहीं लग रहा है भाई। इमली कनिंगम भी कुछ खास नहीं है, टॉमलिनसन भी कुछ खास नहीं, हाँ एक तो प्लेयर आप टॉमलिनसन को ट्राई कर सकते हो। नेटालिया कॉक से ग्रैंड लीग में रोटेट करना, खेलेंगे भी जर्किन खेलेंगी ग्रैंड लीग में रोटेट करना। क्रिस्टी नेसन खेलने वाली है नहीं, बाकी यहाँ से कोई खेलेगा ही नहीं, केमा केन्स खेलेंगे भी तो ग्रैंड लीग में, बाकी यहाँ से ये सब कोई खेलने वाला है नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक प्लेयर के बारे में डिसाइड करना है, तो या तो नतालिया क्रॉस के साथ चले जाओ या फिर एबी जर्किन के साथ चले जाओ या फिर आप कनिंगम के साथ चले जाओ, जो कि पब्लिक लेकर के आ रही है कनिंगम को, 74% सिलेक्शन है और मैं इन्हीं के साथ ज़्यादा जाना प्रीफर करूँगा, पब्लिक के साथ ज़्यादा जाना प्रीफर करूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में जेस वैक्टिंग, फ्रांसिया मेके, सदरवेट, मैं 3 प्लेयर को सबसे पहले लेकर के चलूँगा अपने स्मॉली की टीम में। अब बात करेंगे यहाँ से हन्ना रोवे के बारे में, जॉर्ज एटकिंसन के बारे में, लियोतोयो के बारे में, ये तीनों आपको खेलते हुए नजर आएंगी और मिकेल ग्रिग भी आपको खेलते हुए नजर आएंगी, बाटलेट भी खेलते हुए नजर आएंगी, तो यहाँ से बहुत सारे चॉइसेस रहने वाले हैं, बट आपको किसे ट्राई करना है अपने स्मॉल लीग की टीम में। जीएच खेलने वाली है नहीं, ठीक है, तो यहाँ से देखो या तो आप हन्ना रोवे के साथ चले जाओ जो कि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाली है, या फिर एटकिंसन के साथ चले जाओ या फिर लियोतोयो के साथ चले जाओ। मैं अभी के लिए लियोतोयो के साथ ज़्यादा जाना प्रीफर करूँगा क्योंकि आपको
और अप्रॉक्स आपको पॉइंट देंगी कुछ, क्योंकि ये बॉलिंग से आपको एक दो विकेट निकाल के दे सकती हैं। बट मैं हन्ना रोबे से उतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ना बैटिंग से पॉइंट देंगे ना बॉलिंग से पॉइंट देंगी। जॉर्ज एटकिंसन है, सिर्फ आपको बैटिंग से पॉइंट देंगी, आप बॉलिंग से आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं ये दोनों के मैं इनके साथ ज़्यादा जाना प्रीफर करूँगा। आप चाहो तो हन्ना रोबे या एटकिंसन के साथ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो आप। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं हम लोग, मेलिसा हैंसन को सबसे पहले मैं लेकर के चलूँगा अपने स्मॉली की टीम में। सारा सुमन भी खेलते नजर आएंगी, मेलिसा बैंक्स भी खेलते नजर आएंगी, रोजमेरी मेयर भी खेलते नजर आएंगी, क्लाउडिया ग्रीन भी खेलते नजर आएंगी, जे सिमंस भी खेलते नजर आएंगी, और जी सिलवंस वो खेलने नहीं खेलेंगी, कैटी सिम्स नहीं खेलने वाली इस मैच को। बाकी नीचे से अस्तुति कुमार आपको खेलते हुए नजर आएंगी, ग्रैंड लीग पिक आपके लिए रहने वाली हैं, 0.74% सिलेक्शन है। बाकी यहाँ से कुछ खास मोनिक रीज भी खेलेंगी यहाँ से, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसमें ग्रैंड लीग के लिए स्मॉल लीग के लिए मैं नहीं बोलूँगा गाइज। तो मैं यहाँ से आपको दो प्लेयर लेना है, तो मैं आप रोजमेरी मेयर के साथ मैं सबसे पहले ज़्यादा जाना प्रीफर करूँगा, और मेलिसा बैंक के साथ ज़्यादा जाना प्रीफर करूँगा गाइज। तो ये अभी के लिए हमारी टीम हो रही है, ये बिल्कुल भी हमारी फाइनल टीम नहीं है गाइज। फाइनल टीम में कुछ ना कुछ पक्का मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस बात कर लेते हैं स्मॉल लीग एज वेल एज ग्रैंड लीग दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, एक मिनट यहाँ से आ जाओ, सॉरी यहाँ आ जाओ। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस के लिए मैं बोलूँगा तो पहले तो एम एस अदरवेट रहेंगी, जेस वेटकिन रहेंगी, फ्रांसिया मैके रहने वाली हैं। ये तीन प्लेयर को ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग एज वेल एज स्मॉल लीग के लिए तीनों को रोटेट करके चलना। तीनों में से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है मैं बता देता हूँ। मैं अभी के लिए कैप्टन करूँगा एम एस अदरवेट को, वाइस कैप्टन करूँगा जेस वेटकिन को, ठीक है। ये अभी के लिए हमारी टीम है, ये बिल्कुल भी हमारी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो के साथ। तो अगले धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।